सारा का सारा पीडीएफ होगा। हाँ सर, हाँ तो पीडीएफ भेज दीजिए ना एक बार, कभी किसी को जरूरत पड़ेगा ना, या आपको बोल देंगे ना कि उससे मांग लो तो दे दे दीजिएगा, कोई लड़का मांगे तो। ठीक सर। कोई नया लड़का है ना तो उसको। भाई जी कुछ कुछ पूछने का था तो आप बता देते। हाँ, बताइए ना। ये जो मतलब कौन कौन से कॉलेज में क्या बोलते हैं फॉर्म अप्लाई करें एंट्रेंस के लिए? अरे इस बार तो सेंट्रल का हो रहा है ना, मतलब एक ही फॉर्म पे सारे कॉलेज, आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, फॉर्म सर भरेंगे। नहीं, जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि पटना में जो एक पटना यूनिवर्सिटी हो गया, उसके हाँ बाद में कोई अदर कॉलेज जिससे वहां पर भी एंट्रांस एग्जाम दे सके, वो ऐसा पूछ रहे हैं। नहीं अरे सर, सर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी चेंज करने के बारे में भाई पूछ रहे हैं, तो कॉल किए थे। यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के लिए पूछ रहे हैं। इंट्रेंस नहीं ना होता है सर, इंट्रेंस ही बोले ना कि इंट्रेंस कहाँ और होगा, तो इंट्रेंस पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर तो कहीं और नहीं होता है, बाकी फिर बीएचयू वगैरह कहाँ। अच्छा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सर वोकेशनल के लिए बीबीए और बीसीए के लिए होता है सर, पटना में ना पाटलिपुत्रा में बीए बीएससी बीकॉम के लिए नहीं होता है, लेकिन ये सब के लिए वोकेशनल होता के है लिए ना? सर। हाँ वोकेशनल के लिए होता है, हाँ तो ये तो सर मुकुल भाई वोकेशनल है ना है सर। बीकॉम का है नहीं भाई जी, बीबीए बीबीए का सर, करिए भाई, दो सर मरतबा बोल दिया आपको, इससे पहले मैसेज किए थे। सर ठीक है मेरा बात सुनिए सर। हाँ सुनाइए ना सर, जल्दी से क्लास लेना है ना फिर। सर, मैथ्स का फर्स्ट फॉर्म क्लास है ना? सर फॉर्म भरने टाइम एक ऑप्शन आता है अपीयरिंग अपीयरिंग ईयर कि आप किस साल में 10th और 12th पास किए हैं। तो सर जैसे मैं इस साल 12th पास किया हूँ तो अपीयरिंग ईयर 2022 होना चाहिए था, लेकिन नहीं ऑप्शन में होगा फॉर्म भरने में। होगा होगा, जरूर है, हम देखे हैं। तेरह वर्ष, 15 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 8 वर्ष है। हर्ष राज नागवंशी, ये हर्ष राज नागवंशी आप कौन है सर? हेलो, हर्ष राज नागवंशी आप कौन है सर? ग्रुप में हैं आप? यस सर। कब है ग्रुप में? आज कब ज्वाइन हुए थे? अच्छा सर कल ग्रुप में आपने ज्वाइन किया करवाया था। तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। यस सर, यस सर। देखो देखो, बात है मेरे दोस्त मेरे भाई, कि रीजनिंग आपका सारा खत्म हो गया, एक एक चीज खत्म कर दिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कोई ग्रुप में मैसेज कर दो कि ज्वाइन हो जाइए, 44 लड़का है, 170 लड़के हो तुम लोग, कैसे रीजन? चलो यार बढ़िया बात है कि कम लड़के आते हो, कम लड़के आने से क्या होगा, कंपटीशन तुम लोग का कमेगा, जाने दो सब पैसा दे देकर भागो। सर हाँ सर, हेलो, तो सुनो साइंस वाली सर, भी मैथ पढ़ेंगे क्या? 40 नंबर है सर आपका, तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ओके सर। देखो ना लड़का अभी तक आ रहा है, देखो। सर रीजनिंग हाँ और मैथ्स मिला के 40 नंबर है, प्रीवियस किसी क्लास कहाँ से मिलेगा वीडियो प्रीवियस का? से मांग लो लड़की के ग्रुप में से, जीके जीएस रीजनिंग एंड मैथ, इन सभी को, इन चार सेक्शन से 40 मार्क्स है। ओके सर। देखो औसत पढ़ते हैं सर कॉमर्स के लिए भी मैथ रहेगा? अरे बस भाई साहब, 1 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनट, ये लास्ट हम आपको क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद मेरे से क्वेश्चन मत कीजिएगा। आपका एग्जाम सेक्शन वाइज होगा, सेक्शन ए जो आपका रहेगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, ठीक है? ये सभी के लिए है, जो भी पटना यूनिवर्सिटी यूजी अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएमसी बीएचडब्ल्यू लंथ फंथ, कुछ भी कोई भी एग्जाम देना है सबका अंडर ग्रेजुएट के लिए, सेक्शन ए आपको बनाना होगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोलोगे, सेक्शन ए पहले नजर पड़ेगा, वो 40 मार्क्स आपको बनाना होगा। ये 40 मार्क्स में आपका जीके जीएस है, जिसकी क्लास बहुत तरीके से चल गई है, पूरी खत्म हो गई है। आपका रीजनिंग है, जिसकी क्लास पूरे तरीके से खत्म हो गई है। मैथ बचेगा 2 4 5, 5 से 10 नंबर का, 10 नंबर भी लिख सकते हो, तो 10 नंबर का, 5 6 10 नंबर का मैथ रहेगा, तो ये मैथ की क्लास आज फर्स्ट क्लास है।
कोई भी लड़का हो जो तैयारी करना चाह रहा है, फॉर्म भरा है, सेक्शन ए उसको बनाना होगा। वो बीएससी हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, लंदन हो, कुछ भी हो, आप समझ गए ना। और हम सेक्शन ए पढ़ रहे हैं। अब बीबीए वालों के लिए यही चीज आएगा तो सेक्शन अलग उनका, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद सेक्शन एच तक रहेगा, सेक्शन एच तक रहेगा। अब कंफ्यूज मत करना, क्लास डिस्टर्ब करते हो। जैसे सेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, इतना सेक्शन में। सेक्शन ए में आपको सबको बनाना है, सेक्शन बी होगा आर्ट्स वाले का, सेक्शन सी साइंस वाले का, सेक्शन डी बीकॉम वाले कॉमर्स वालों का, ई बीबीए बीसीए बीसीए बीबीए ऐसे करके जो भी है, बीसीए बीबीए बीएमसी बीएमसी, ये एच तक रहेगा, इस टाइप से रहेगा, समझ गए। अब किसी को बीबीए लेना है तो सेक्शन ए तो बनाना ही बनाना है। सेक्शन एफ में यदि आपका बीबीए का सिलेबस रहेगा तो सेक्शन वहां पर लिखे रहेगा 4 बीबीए, तो एफ बनाइएगा, 40 क्वेश्चन इससे, 60 क्वेश्चन इससे। फिर बीए किसी को लेना है तो 40 क्वेश्चन इससे बनाएगा, 60 क्वेश्चन बी सेक्शन से बनाएगा। अब फिर कंफ्यूज नहीं करोगे ना, बार बार व्हाट्सएप पे ही यही मैसेज करते हो उसके बाद, तो अब दिक्कत नहीं है ना, आप समझ गए ना। अरे यस सर, असर जो शोभा पढ़ाए हैं जो क्लॉक यार वाला, वो मैथ है या रीजनिंग है? रीजनिंग मैथ नहीं है, रीजनिंग। है वो जी। अब ठीक, देखो, पांच लड़का है, उसका एवरेज पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ, कोई बनाया है? 11.2% जी 13 सर, जोड़ कर 5 से भागा दे देंगे। 15 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 8 बाई कर कितना कर देंगे, 5। 5/5 टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, अपन 56/5, 56/5 आ जाएगा ना। तो इसका यस क्या सर, होगा, 11.1 11.2 बाई 5 बर्स, ये आपका। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना दोगे। यस यस, सर। अब 5 लड़का की जगह 2 लड़का दे दे, 5 लड़का की जगह 10 लड़का दे दे, 20 लड़का दे दे, तो बना दोगे, ठीक यस सर, अपॉन है। मेक टू 5/10 वो होगा जितना लड़का रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगला बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का एवरेज, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 12 है, 12 है। यदि इनमें एकदम आसान आएगा, टच करेगा, किसी भी चीज को टच करेगा, इसलिए आज दो दो चैप्टर, एक दिन में दो दो चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, मैथ 2 से 4 दिन में खत्म करना है। इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 है, 13 और 15 है, 15 है, तो तीसरी संख्या, 8 तीसरी संख्या, 8/8 देखो सबको बनाने दो, सबको दिमाग लगाने दो भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट करो हम लोगों के साथ। उत्तर अब बनाओगे या बनाए? बना बनाना हुआ हुआ है है सर, सर, सिंपल तो है बनना, सर, सबके 8 सबसे, होगा सर। हाँ सर, सबसे बन गया। रेट होगा अब देखो सर, 8 क्या, होगा। जैसे कि तीन संख्या दिया हुआ है, देखो हम सबको देखेंगे ना, तीन संख्या दिया हो, इसका एवरेज जो दिया है 12 है, तो ये 3 संख्या बाई 3 कर देंगे तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जाए, ऐसे करेंगे x1 + x2 + x3 बराबर, देखो इसमें बहुत सा लड़का है ना जो पहली बार पढ़ रहा है, पहली बार, तो उन लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से। तो x1 + x2 + x3 करेंगे तो 12 + 36 हो जाएगा, और ये दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्या कौन कौन है, 13 + 15 + x3 तीसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो 36। तो x3 क्या होगा, ये 36 - 28, इन दोनों को जोड़ोगे तो 28 होगा ना सर, और 28 इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये सब तो पढ़े ही हो, तो 8 8 16 8 आंसर। देखो प्रॉब्लम हो तो बताना, और ना हो प्रॉब्लम तो बोलना सर कि आगे बढ़ते जाइए। चीजें आसान शुरू में लगती है, टफ धीरे धीरे, जो लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा हाई करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आ जाए। बताओ 7 5
104 तथा 8 का एवरेज औसत। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, वो वाला क्वेश्चन तो आप करवा दे, हम लोग देखे ही नहीं। सेकंड वाला सर, एक्स वन प्लस सेकंड वाला सर। सर पीछे वाला पहले करा दीजिए, ये क्वेश्चन तो करवा दिया, लिख भी दिए सारा। सर इसकी सर आपकी आवाज रुक गई थी, आवाज एक मिनट एक मिनट एक मिनट स्क्रीन आवाज अब दिखाई दे रहा है। यस सर। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कॉल आ रहा होगा, रुक जाओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एयरटेल वाले सिम पे कॉल आ रहा होगा आपका। हाँ बताए ना। अरे आज इतना क्लास भी लिए है ना कि मेरा इंटरनेट भी 1.5 GB देता है, वो खत्म हो जाएगा बीच में कहीं, तो तुम बताना मैसेज करना। अभी 1.200 MB बचा हुआ है। अब देखो क्लियर जा रही है। यस सर। यस सर। सुबह 4 घंटा क्लास लिए थे तो उसका आज प्रॉब्लम हो रहा है। आ जाओ देखो समझो, ये हम बना दिए पूरा पढ़ा दिए। देखो ये सवाल में फंस गए थे ना हम लोग। यस सर। देखो फिर से यस सर। देखो क्या हुआ था, जल्दी से देखो भाई लोग को समझा देते हैं जरा सा। देखो बहुत लोग नए हैं, अभी पहली बार आप लोग पढ़े होंगे। तो अब देखो बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत 12 है। तीन संख्याओं का औसत क्या है? 12 है, मतलब कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर बाई औसत बोलता है। तो औसत क्या होता है? कुल योग बता जितना दिया हुआ है, तो इतना बाई 3 बराबर 12, यही दिया हुआ है ना। तो देखो इसमें yes, दो दो संख्या 13 प्लस 15 दिया हुआ है और एक्स थ्री पूछा जा रहा है, तो बाई 3 करेंगे उधर भेजेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। हेलो yes, sir. Yes, sir. तो 15 प्लस 13 क्या होगा? 28 प्लस X3 हुआ ना बराबर 36। तो X3 बराबर yes, क्या होगा? sir, 36 माइनस 28 बराबर 8 आंसर। यस यस समझ गए। दो टाइप वन नंबर दिखा दीजिए तो वन नंबर yes, पहला नंबर ऐसा आएगा बना दोगे, दूसरा नंबर yes, ऐसा sir, आएगा yes, बना दोगे, तीसरा नंबर yes, आओ 7 5 X4 तथा 8 का औसत 7 है। है नंबर का इसके उसे सुनना। अरे PDF मिल जाएगा सर, स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़े हुए। तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? अब इस सवाल के जवाब को आप 11 होगा सर। ठीक है उत्तर देखो सबसे बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए, बना है सबसे, सबसे बना है। यस सर। कितना आया? 11। देखो कैसे करना है, 7 7 प्लस 5 प्लस X प्लस 4 प्लस 8 का औसत कितना है? 8 7 है, तो 1 2 3 4 5 है, तो नीचे 5 लिखेंगे, औसत कितना है? 7। अब इसको ऐड करो तो 8 4 12 12 12 5 17 17 17 7 7 7 14 24 हुआ ना ऐड करके, 35। गलत जोड़ दिए, 7 5 12 सही है सर, हम तो यही जोड़ते हैं। सही है सही है। ठीक है तो x बराबर क्या होगा? 35 माइनस 24, तो क्या 24 10 34 11 आंसर। यस सर। इस टाइप का कोई आया तो बना लोगे? हाँ यस सर। सर बना लेंगे। ठीक ठीक अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। लिखो औसत का फॉर्मूला भी कुछ कुछ आता है, तो वो नीचे यहाँ पे लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला उसके बाद इस फॉर्मूला पे तुम लोग को क्वेश्चंस देंगे और तुम लोग क्वेश्चंस को करके मेरे को दिखाना। महत्वपूर्ण सूत्र इसी पे सवाल आएगा। लिखो लगातार लगातार, इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम होगा, जस्ट बोलना हम तुरंत इसका इंग्लिश कर देंगे। सर इंग्लिश yes, सर इंग्लिश में लिख दीजिएगा सर। यस सर इंग्लिश में दोनों। लगातार एन तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, एन प्लस वन बाई टू
इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस वन बाई टू। यही होता है ना इंग्लिश? यस सर। यस सर। लगातार, लगातार लिखने का मतलब लगातार मतलब सीरियल वाइज, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं विषम संख्या तो एक उसके बाद लीजिएगा 11। लगातार कहने का मतलब जिस सीक्वेंस में वो आता है, ठीक है। एन प्राकृत संख्या, प्राकृत विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत। प्राकृत विषम संख्याओं एन प्लस वन का औसत। प्राकृत विषम संख्या एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है, एन होता है ना। विषम का मतलब ऑड होता है सर। ऑड सर। प्रथम प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं का एन, और लगातार एन प्राकृत विषम संख्याओं का एन प्लस वन बाई टू। देख लेना इसका एक फॉर्मूला हम गलत लिख लिया लगता है। इसका हम गलत लिख लिए हैं दिमाग से, हम कॉपी में लिखते सामने गलत लिख, इंग्लिश भी लिख दीजिएगा। ठीक, आगे लिखो, लिखो द एवरेज ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब आगे आ जाओ, प्रथम प्रथम एन प्राकृत, प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का औसत, उसका सर्च कर लेना भाई। गलत लिख लिए दोनों एक ही साथ हम लिख लिए हैं। एन प्लस वन, एन प्लस वन होता है इसका, और ऑड वाले का ये होता है प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। इसको कहते हैं इवेन, इसको कहते हैं ओड, ठीक है। औसत को कहते हैं एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है आपका एन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका एन। अब देखो हम बोलेंगे क्वेश्चन, एक अगला ही क्वेश्चन दे देते हैं। इतना लिख लिए हो? यस सर। तो लिखिए ना सर, जल्दी 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 जल्दी। यूट्यूब पे आप आज अपलोड कर दिए थे ना आज का क्लास? यस सर। यस सर, आगे बढ़िए। लिखो लिखो, प्रथम पांच कर्मागत, प्रथम क्वेश्चन सर। हाँ, प्रथम पांच कर्मा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आपसे। प्रथम पांच कर्मागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताओ क्या होगा? एन बाई, एक एक पहले निकाल कर देखते हैं। वन बाई टू एन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन बाई कितना होगा? बाई फाइव। नौ सात सोलह, सोलह नौ पच्चीस, अब पच्चीस बटा पांच बराबर पांच। इधर देखो एक फॉर्मूला तुम्हें लिखा है, प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं का औसत एन, ये लिखा है ना, ये फॉर्मूला। यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा, प्रथम एन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बराबर एन, एन बराबर कितना दिया है? पांच। पांच आंसर, फाइव। यही क्वेश्चन यदि दे दिया, प्रथम
पच्चीस क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अब यहाँ तो ऐसा कर लिए, अब यहाँ करके दिखाओ। 25 ही होगा ना सर। अब 5, 2, 3 देगा तो कर दोगे, यहाँ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सीधे n बराबर 25 ही होगा। n बराबर 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब देखो एक अगला सवाल देखो, तुम लोग को थोड़ा सा लेवल एक पॉइंट बढ़ाते हैं, ठीक है? और तुम लोग करना अच्छे से। अगला क्वेश्चन अच्छा समझ रहे हो ना? यस सर। अब देखो एक एक चीज देखो, लिखो 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत। रीजनिंग प्रैक्टिस अब करना, क्योंकि सारा लेक्चर नहीं तो ना समझ में आया तो लेक्चर देखना। अब रीजनिंग उतना ज्यादा 16, 16, 17, 17 क्लास दे दिए हैं सर, आज सुबह की रीजनिंग का अपलोड कर दीजिएगा वीडियो, कर देंगे। यदि यस सर, यदि इनमें से 3 संख्याएं इनमें से 3 संख्याएं मतलब 10 संख्याओं का औसत जो है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 28। यदि इनमें से 3 संख्या 3 नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कौन कौन नंबर? 24, 38 और 36 को निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? एक सौ सत्तर लड़के हो, मिनिमम 100 लड़का, 26 होगा, 100 लड़का तो आना चाहिए मिनिमम, 100 लड़का तो आना चाहिए। क्यों मतलब 50 पे रह जा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि सब इसलिए तो फ्री में नहीं पढ़ाए थे। 26 वाले बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आप आंसर दिए। ये सर वेरी गुड। चलिए देखिए सबका बन गया? नो सर। तो टाइम दे। नो सर आप बता दीजिए ये वाला। देखो हर एक क्वेश्चन पे हम 10 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है? यस सर। दस मिनट हो गया ना, ये सेकंड हो गया, ये 10 मिनट हो गया सर। पता नहीं क्या है सर, मिनट है। हाँ ये ठीक है। हाँ ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड। ये क्या हो गया? 5 सेकंड सर, ये अलार्म लगा दिए, हटा दीजिए। 5 सेकंड होते हैं अलार्म बजने लगता है। 10 संख्याओं का औसत 28 है, तो देखो 10 संख्याएं मान लिया जाए x1 + x2 ....xn तक है, ठीक है? ये समझ गया। हाँ यस सर। भाई यहाँ पे 10 करेंगे बराबर इनका, यार 28 कौन है? माइक बंद करो ना भाई। x1 + x2 + ...xn यदि हम लोग करते हैं तो 280। यस सर। ठीक है सर। अब इसमें 3 संख्या को निकाल दो, 3 संख्या निकालते हैं तो देखो 24 + 38 + 36 को निकाल देते हैं, बाकी 7 संख्या बचा है। x1 से लेकर समझो x7 तक 7 संख्या बचा है, अब बराबर 280 है, ठीक है? अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो 98 होगा। 814 4 18 की याद, हाथ में 1 3 3 6 2 8 1 9 98 प्लस ये बाकी का 107 संख्या जो बचा है वो बराबर 280। अब x बराबर 280 माइनस 98 करते हैं ना, ये सर 182 आएगा। इस कितना हुआ इसका? 182 182
यस सर, वो अब बाकी और इसको वो 7 से डिवाइड दे देंगे, सेवन से एवरेज डिवाइड निकल जाएगा देंगे सेवन से डिवाइड। तो यस सात दूना चौदह, सात छः बयालीस, छब्बीस, सर इसका 26 आंसर। आएगा। समझ गए सभी लोग? यस सर, यस सर, समझ गए ना? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग, क्या 182/7। हाँ भाई, तो तीन का पहले निकाल दिए ना, तो साथ ही बचेगा ना अब। और ठीक है, समझ गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, रुको ना। आठ चार अठारह चौदह, ये माइनस प्लस आठ दस अठारह बारह, नहीं ऐसे दस चार आठ चार बारह, आठ और प्लस चार। अच्छा इसका एक बताते हैं, रुक जाओ पहले सर क्वेश्चन दिखाइए ना। अगला क्वेश्चन लिखो लिखो, हम लिखवाते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ अगला थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, ऐसा ही है, थोड़ा सा हार्ड है। सर लिखो बताइए तो सही। सातवां नंबर क्वेश्चन ना करवाएंगे, पता नहीं, ग्यारह हम लेट से आए परिणामों, थे। ग्यारह परिणामों का औसत, परिणामों मतलब सर ग्यारह रिजल्ट नहीं, ग्यारह लिख दो नंबर्स का औसत, ग्यारह नंबर्स का चार औसत नंबर क्वेश्चन होगा, चार नंबर क्वेश्चन, चार नंबर 36 है। ग्यारह परिणामों का औसत, ग्यारह नंबर्स का औसत 36 है। यदि प्रथम छह परिणामों परिमाण परिणामों छह प्रथम छह नंबर का फर्स्ट सिक्स नंबर्स प्रथम छह परिमाणों का परिणामों का औसत 32 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर इज 32, देन तथा अंतिम क्या बोल रहा है कि अंतिम अंतिम छह परिणामों अंतिम छह परिणामों फर्स्ट सिक्स का अंतिम छह परिणामों का औसत ये पांच ना सर, अंतिम छह का सर पांच ना होगा। अरे नहीं सर, हम बताते हैं ना, आप कहाँ आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता है, का अंतिम छह परिणामों का औसत 38 है, तो छठा परिणाम क्या है, छठा नंबर क्या है, छठा नंबर क्या है, देखिए ना हम आपको बताते हैं। आपके पास नंबर है सर 326, कॉम्प्लिकेटेड है सर थोड़ा, तो देखिए अभी बच्चा वाला सिखा रहे थे तो मजा आ रहा था आपको। देखिए एक्स वन सर इसका 326 आंसर होगा, नहीं ज्यादा बोल सिखाइए सर, ठीक बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। एक्स थ्री सर आठ होगा क्या सर, एक्स फोर, अरे सर पहले भी देखने जा आंसर बता दे क्या, यस सर सातवां का आंसर ना सर, आंसर मत बताइए आप, आंसर मत बताइए, कुछ 24 बताइए ना, एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स एट एक्स नाइन एक्स टेन, अब इतना लिखना नहीं है बस समझाने के लिए लिखा रहे हैं, एक्स इलेवन, ग्यारह अंक आपके पास है। प्रथम जो छह इसमें है ना, फर्स्ट सिक्स इसमें है, ये फर्स्ट सिक्स, इसका जो औसत है 32 है, 36 है सर, और ये अंतिम जो छह बचा है यहाँ से एक दो तीन खत्म होने के, ये 38 है, मतलब 38 है, ठीक है, यहाँ से शुरू का छे ये अंत का छे, तो ये एक्स सिक्स जो है बाहर दोनों में आ रहा है, और ऑल ओवर औसत जो है 36 है, तो इसको इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको जरा बनाओ, 24 आंसर है, तो 36 35 कर रहा है जो बार बार एक ही होती है, पगला बना रहा है, खुद भी पगला है, मेरे को भी पगला बना रहा है। 24 आंसर लिखे हैं या नहीं लिखे हैं कि 24 इसका आंसर हो गए, आगे आ जाओ। अब बताओ ये बनेगा सवाल, सर एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए ना। अच्छा टाइम टाइम देखते हैं, रुको एक टाइम देते हैं, कहाँ गया टाइमर, टाइमर कहाँ गया, 20 सेकेंड का टाइम देते हैं, 20 सेकेंड 30 सेकेंड का देते हैं, 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं,
ठीक है, तुम लोग बनाओ इसको, अलार्म बजेगा तो मेरे को बता देना, तब तक ये करने इसका स्क्रीन शॉट लो और तब तक जरा सा मेरे को इसको एक काम करने दो। Yes, हो गया टाइम ओवर, चलो टाइम ओवर हो गया तुम लोग का, अब इसको इधर करते हैं, आ जाओ आ जाओ। नहीं बनाना, नो सर, नो सर। यहाँ से लेकर x1+x2+……x11 तक लेकर जाओगे तो इसका औसत है 36, है ना, 2×11 करोगे आया 36। देखो तो ऐसे करोगे प्लस 11 तो 36 गुना 11 करोगे, करो 36 गुना 11 36 352 396 सर 396 होगा, और 396 मतलब सर ये सभी अंकों का जोड़ जो होगा वो हमारा 396 है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नहीं सर नहीं क्लियर है। शुरू से 11 से लेकर 2×11 की औसत का फॉर्मूला बताए, उसके बाद 36×11 396 हो गया, 11 परिणामों का औसत 36 तो बता रहा है, तो हम बोले 11 परिणामों का औसत 36 है, तो x1+x2+11 तक लेके 2×11 करेंगे तो 36 है। हाँ तो 11 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब x1+x2 लेके x11 तक 396 है ऐड सबका। प्रथम छह परिणाम मतलब x1+x2……x6 बाई में 6 करेंगे तो इसका परिणाम 32 है ना, है ना, तो x1+x2+x6 करेंगे तो 32 छह का कितना हो गया, 6×12 के दो हाथ में 192 होगा। हाँ हाँ यस सर। x1+ फिर 6 से करेंगे तो 6+7+……611 तक यदि ले जाएंगे तो अंतिम का कितना है 38, तो 38 गुना 6 करेंगे ये शुरू के, तो 8×6=48 की 8×8 में 4 और 6×3=22 एकदम एकदम। अब देखो हम बार बार बोलते हैं कि तुम भावना को जिस दिन समझने लगोगे ना उस दिन तुम सब सवाल बनाओगे, वो मैथ हो या रीजनिंग हो भावना को समझो। अब देखो इसको ऐड करो तो 192 और 228 में ऐड करोगे तो 8×2=10 9×2=11 के दो हाथ में 420। अब ये सर 420 ये देख रहे हो कि जब इन दोनों को ऐड किए हैं औसत को तब 420 आ गया है, जबकि 11 जो सबका ऐड है वो 396 है, कितना ज्यादा हो रहा है, तो 420 में 396 को आपको माइनस कर देना है, आंसर 24 आपका आ जाएगा, यही 24 बढ़ा हुआ था छठा परिणाम। देखो हुआ, अरे यार माइक ऑफ करोगे तब तो समझाएंगे, देख अरे चुप रहेगा, अब बोले हैं बोले। देखो देखो मम्मा मम्मा पीछे से करने लगता है तो क्या हम बताए। अब देखो यहाँ देख रहे हैं, देखो हम जब बोलेंगे 11 नंबर्स का औसत द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 36, मतलब क्या होता है एवरेज कहने का, मतलब क्या होता है एवरेज कहने का, मतलब होता है सभी अंकों का जोड़, ठीक है वही होता है भाई उतना अंक। हम बोलेंगे हम देखो तुमसे ये सवाल आने से पहले एक सवाल करते हैं, ठीक है एक सवाल करते हैं, हम बोलेंगे कि तुम लोग लड़के हो तो किसी का वजन 40 किलो है, पांच लड़के हो क्लास में, पांच लड़के हो 40, 50, 10, 20 और 30, 1, 2, 3, 4, 5 लड़के हो, ठीक है मोलू सोलू भोलू कोलू नोलू इतना लड़का है, 3, 2, 5 लड़का, हम बोलेंगे कि पांचों का औसत वेट क्या है, औसत वजन क्या है, तुम कैसे बताओगे कि औसत वजन क्या है, क्या करोगे तुम बताओ मेरे को, तुम क्या किए
टोटल ऐड अपॉन 5 टोटल को ऐड कर। देखो बस एक चीज समझाना चाह रहे हैं, वो समझ जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगा भाई। 5 कर दिए, यस सर, यस सर। इसको ऐड करो तो क्या हो गया कि हो गया 50 90 100 एक लड़के का औसत वजन जो है वो 30 केजी है ना, 30 केजी एक पर 30 केजी का, पर यही देखो सबका यदि ऐड करोगे तो ये 150 हुआ है, 150 सबको ऐड करोगे तो 150 ही आएगा ना, तो बोलेंगे एक देखो यहाँ पे सबको ऐड किए हो तो 150 आएगा या नहीं आएगा। यस सर, जोर वाला बात, यस सर, जोर वाला बात समझो कि इन सभी को ऐड करोगे तो 150 आएगा। और हम बोले तुमसे एक सवाल किए कि बाबूजी एक बात बताइए कि 5 लड़का है और सभी लड़के जिसका औसत वजन 30 केजी है, तो हम बोलेंगे कि सभी लड़कों का ऐड करने पे वजन कितना होगा, सभी लड़कों का वजन कितना है, यदि सभी लड़कों का ऐड कर देंगे तो वजन कितना होगा बताओ। 5 लड़का है औसत वजन 30 केजी है और सभी लड़के के वजन को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा। 150 होगा सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 150 आ जाएगा। यस सर, मतलब कहने का सर ये तो फिक्स, अच्छा भावना को समझिए, और ये तो फिक्स नहीं है सर कि सब लड़का 30-30 किलो का होगा, कोई 12 रोटी खाया होगा तो उसका 40 किलो भी वजन होता है होगा, और उसमें कोई लड़की होगी जो एक रोटी खाती होगी तो उसका वजन 10 किलो होगा, होगा या नहीं होगा, और कोई मेरे जैसा पहलवान होगा तो उसका 70 किलो भी वजन होगा, समझ रहे हो ना। यस सर, हम तुमसे क्या पूछे कि पर सबका ऐड यहाँ पर किए, किसी का 40 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 10 किलो है, किसी का 20 किलो है, किसी का 30 किलो है, सबको ऐड किए तो 150 किलो आया ना। Yes, sir. और ऐसे भी हम तुमको यदि बोल दिए कि देखिए सर औसत वजन जो है, औसत वेट जो है 30 किलो है और 5 लड़का है तो कितना सबको यदि हम ऐड करेंगे तो कितना वेट होगा, तो यहाँ भी तो सर 150 ही आ रहा है। 150। ये हम आपसे नहीं पूछे कि मोलू का कितना वजन है, सोलू का कितना वजन है, ठीक है, ये नहीं पूछे। हम पूछे क्या कि मोलू सोलू गोमू झोमू मिला के सर इस सब के मिला कर कितना वजन है, इन सभी को ऐड करके कितना वजन है, तो आप बता दिए सर 150 सबको मिलाकर, कैसे बता दिए सर कि एक लड़का का औसत 30 है गुना 5 150 हो गया, आपके पास ये थोड़े डाटा है कि 40 किलो मोलू का है, तो देखो बात वही यहाँ पर समझो क्या हुआ था, यहाँ पर देखो बात क्या? अच्छा ये बात समझे हम बोलना क्या चाह रहे थे, ऐड वाला सिस्टम समझ गए, बस यही बात इस वाले क्वेश्चन में है, देखो फिर अब समझ जाओगे, यही बात इस वाले क्वेश्चन में है, देखो क्या बात सर ये समझ गए थे, नहीं समझ गए सर, ये वाला क्वेश्चन सब लोग समझ गया है। यस सर, एक और फिर समझाइए सर, वही इसीलिए सुनो नहीं समझो, नहीं समझ पाए, हाँ सुनो ना बातों को समझो, तो इसमें 11 लड़का है जिसका औसत वजन 36 है, 11 लड़का है जिसका औसत वजन जो है एवरेज वेट 36 है, तो हम बोलेंगे कि भाई 11 का वजन कितना है, तो तुम क्या बताओगे कि सबको यदि ऐड कर देंगे तो 11 का वजन मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 गुना 11 करोगे मल्टीप्लाई करोगे और बोलोगे कि सर सभी लड़कों का वजन 396 है, यही बोलोगे ना, यहाँ तक क्लियर है। यस सर, यस सर, अब देखो यस सर, जब 396 है, 396 है 11 लड़कों का वजन 396 है, बोला है कि प्रथम 6 परिणामों का औसत 32 है, प्रथम 6 लड़का जो है जिस हम एक रो में लड़का को खड़ी कर दिए हैं और शुरू का 6 लड़का का औसत वजन जो है 32 है, मतलब 32 है, तो बोलेंगे कि प्रथम 6 जो लड़का है शुरू का 6 लड़का है उन सभी का वेट कितना है, तो ऐड करोगे फिर गुना करोगे तो 6 × 12 = 192, मतलब शुरू का 6 लड़का का वजन 192 निकल कर आया, ठीक है, और अंतिम का 6 लड़का जो है, तो देखो इधर से जा रहे थे तो X6 जो लड़का था इधर से जाने में भी गिनती हो गया और उधर से जब फिर वापस भी काउंट किए तो 2 बार ये गिनती हो गया, ये 2 बार गिनती हुआ ना,
जब ये दो बार गिनती हुआ तो हमारा 192 हो गया, फिर वो 38 वजन है तो 38 गुना 6 कर दिए तो कितना आया 228 आ गया। 228 इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया था 520 ना, नहीं 420 आया था। तो ये सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ये 396 आना, देखो 396 आना चाहिए ना, 11 लड़कों का जो औसत वजन है 396 आना चाहिए, आना चाहिए 396 ना, आना चाहिए। जो डबल हो गया उसको, पर देखो यहाँ पर जब हम अलग अलग दोनों को ऐड किए तो आया 420। मतलब सर बोलेंगे कि सर कहीं पे हम लोग फॉल्ट कर दिए हैं, किसी को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ये बोलोगे ना? नहीं सर, इधर से उधर से भी सर, क्योंकि मतलब 6 दो बार ऐड हुआ है ना। हाँ तो वही जब देखोगे हम वही समझाना चाह रहे हैं, 396 ऐसे आना चाहिए, अब आ गया 420। सर गलती कहाँ पे हुआ? तो हम अभी देखे कि सर आप देखे 6 को इधर से जाने में भी कर दिए थे और अंत मतलब दो बार 6 ऐड हुआ है और 6 वाला आंसर पूछ रहा है, तो 420 में 396 को एक वो घटा देंगे, एक घटा देंगे तो 24 आंसर, 24 आंसर हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे? यस सर। यस सर, आप क्वेश्चन दीजिए, एक क्वेश्चन थे इसमें। यस सर दीजिए ना। यस सर दीजिए। बाय। तेरह हल्का देते नहीं तुम, और हल्का देते और सर दीजिए ना, वैसा ही पूरा दीजिए। अरे वैसा कैसे देंगे, पांच अलग होगा। परिणामों का औसत औसत 40 है, देखो कोई बैठेगा तो कटकुट वाला बैठेगा तो, प्रथम तीन परिणामों का औसत 15 है तथा अंतिम तीन परिणामों का औसत, देखो क्वेश्चन बैठेगा तब, नहीं बैठेगा तो क्या कर सकते हैं, बनाना बैठाना तो है ही ना, क्या किया जाए क्या किया जाए। 15 है, 25 है, नहीं मान लो 30 है, देखो क्वेश्चन बैठेगा तभी होगा। तो तीसरा तीसरा परिणाम क्या है, तीसरा नंबर क्या है, देखो बनाओ क्वेश्चन, यदि बैठता है तो बैठाओ, नहीं बैठता है तो सर 65 आ गया। यस सर 65। यस सर 65। देखो अब देखो बनाते हैं सवाल को, देखो सवाल को बनाते हैं, पांच परिणामों का औसत कितना है 40 है, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 जो है वो आपका बराबर बटा 5 करोगे तो आपका 40 है, मतलब x3 प्लस x4 प्लस x5 जो है आपका कितना है, सभी का जोड़ 200 है, तो ये सभी का जोड़ 200 आना चाहिए था ना। यस सर, परंतु हुआ अब प्रथम तीन का x1 प्लस x2 प्लस x3 प्रथम तीन का जो औसत है वो 15 है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो ऐड होगा 45 है ये ना, और अंतिम तीन का मतलब x3 x4 x5 का जो औसत है वो कितना है 30 है, तो x3 x4 प्लस x5 बराबर क्या है 90 है, 90 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड यदि करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 135 गलती हो गया ना, 135 ये गलती नहीं सर, सही है तो नहीं सही सर, तो है सही है सर, आपके जैसा आएगा 65 होगा, आपके जैसा पहलवान आंसर आएगा, 200 माइनस 135 होगा फिर। यस सर, ज्यादा होता था ना, और सर 200 से ऊपर होना चाहिए।
ये औसत जो आना चाहिए 200 से ऊपर आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए दोनों को सम करके, ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए तभी ना ये बनेगा। पर देखो सर तो नेगेटिव में नहीं आएगा, 135 है ना सर, वो 200 से ऊपर होगा। अब देखो भावना को समझो, आप करो इसको क्या करो, वही बोले ना कि ये बैठाने पर होता है, यदि बैठेगा सही से तब तो देखो क्या हो। इसको करो क्या कर दो, इसको कर दो 60, हो गया ना, इसको 60 कर दो, अब बनाओ 25 होगा सर, तो 200 25 होगा, 40 पचे 200, 40 पचे 200 और 15 तिया 45 और 180, हाँ 8 4 12 के दो हाथ में एक एक, और 225 आ गया, 225 में 200 घटा दिए तो 25 से 25, ये सही बैठा 25 होगा, 25 यस सर, ये 60 कर देना, यहाँ पर 60 कर देना, ठीक है। अब देखो अगला सवाल जो है, इसी पर एक सवाल और बना जो आता है, यस सर, एक और सवाल बनाओ, अगला सवाल इस टाइप का बनाओ। कितना टाइम हुआ है, 549 सर, बैक कीजिए, हम सोचे थे कि देखो करवा देंगे पर देखो क्या। अब सर, देखो रिकॉर्ड किए हैं ना, हाँ अब देखो, लिखो एक सवाल, लिखो सवाल किसी ऑफिस, किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों, 2 दिन में खत्म होगा एक चैप्टर, 7-8 चैप्टर से ज्यादा नहीं, किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों की मासिक आय, मासिक आय मतलब समझते हो मंथली इनकम, यस सर, यस सर, महीना आय 1900 रुपया है, ठीक है, 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय जो है वो 1900 रुपया है औसत आय, ठीक है। यदि इसमें yes, sir. यदि इसमें मैनेजर, यदि इसमें मैनेजर की आय शामिल कर ली जाए, कि इनकम शामिल, आय भी शामिल कर ली जाए, इसका माय कौन है यार, कर लिया जाता है तो औसत आय 2000 हो जाता है, ठीक है। मैनेजर की वार्षिक आय बताओ आप लोग, करो देखते हैं कितना दिमाग तुम लोग के पास है, 1200, 2000 सर, 2000 बना लिए सर, 4000 होगा, 4000 वार्षिक पूछ रहा था आप, 2000 4000 में सब लटके हुए हैं, बताइए 24000 हो जाएगा वार्षिक, महीने का हो जाएगा 2000, हाँ महीने का 2000 सर, 48000 हो जाएगा, 48000 होगा, 21 का कर देंगे तो 42000 होगा ना। अब देखो क्या हुआ, देखो इस बनाएंगे इसको कैसे, यदि देखो 20 कर्मचारी है जिसका औसत आय कितना है, औसत आय 1900 रुपया है, यस सर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 1900 रुपया है। अब भावना को हम देखो समझो और एक सेकंड में जवाब दो, यदि मैनेजरवा आ जाता इसका भी वेतन 1900 रुपया रहता तो औसत पे कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता नो सर। अब औसत पे फर्क क्या पड़ा है, कितने का औसत पे फर्क पड़ा है, 1900 से 2000 हो जाता है, मतलब कि सभी पर एक एक सौ रुपया बढ़ गया है, ठीक है, यस सर, तो इसमें 100 रुपया क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है,
2100 ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दो, 9 10 की सुनना हाथ में, 1 4 मतलब कि उसका वेतन कितना होगा 4000 महीने का, 12 का करेगा 48000। ये ट्रिक समझे कि क्या हुआ? नहीं समझे ना? तो सर ऐसे नहीं बनाए हैं, तो हम लोग बनाए हैं पहले 20 का औसत निकाले, फिर 21 का औसत निकाले हैं। तो हाँ सर समझ गया, समय लगा होगा ना, फिर माइनस करके 12 से गुणा कर। नो सर समय नहीं लगा है, देखो इस सिंपल में हो गया सर। इस टाइप यस सर, देखो इस टाइप ऐसे बनाओगे तो और समझ गया, जल्दी करोगे। जैसे देखो ये सर ऐसे बताए तो ये थोड़ा ज्यादा इजी था उससे। जैसे कि देखो एकदम कलम नहीं चलाना है, कलम चला लिए तो क्या हो गया? फिर हम एक क्वेश्चन और देंगे। देखो 20 कर्मचारी का मासिक आय 1900 रुपया है, मतलब मासिक आय जो है 1900 रुपया, हम लिखने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, बताने के लिए लिख रहे हैं 1900 रुपया है। अब बोलेंगे कि उन जैसे कि 50 50, तुम एक एग्जांपल बताओ, 50 50 किलो का 5 आदमी है, ठीक है, तो इसका औसत वजन क्या हुआ? 50 50 250 औसत वजन 50। यदि सर जी, यदि सर जी 85 होगा ना औसत, एवरेज एवरेज ये सर, ये सर 85 होगा। अब देखो यदि हम बोलेंगे सर कि एक 50 किलो का और आ जाए तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बात तुम आपसे सुनना चाह रहे थे कि एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि सर 1900 रुपया यदि मैनेजरों का वेतन रहता तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज पे कोई 1900 रुपया ही रहता। पर क्या हुआ है कि वो औसत आय जो है, एवरेज इनकम जो है वो 2000 हो जाता है ना, मतलब कि 100 रुपया बढ़ गया है। तो ये 100 रुपया क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो ज्यादा वेतन वाला मैनेजर आ गया होगा। अरे सर मैनेजर समझ गया, आगे बढ़ाइए ना। किसी का 1900 रुपया वेतन है और देखो कि अब जब 21 आदमी हो गया है तो 2000 रुपया हो जाता है, मतलब 2100 आदमी पर 2100 रुपया बढ़ जाता है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे मतलब कि सीधे निकल गया 4000 रुपया है उसका वेतन महीने का। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2100 कहां से ला दे रहे हैं? 100 रुपया ज्यादा हो गया, सब में ज्यादा हो गया 100 रुपया, मतलब कितने लोग हैं? 21 लोग हैं, 21 लोग हैं ना भाई, तो 2100 रुपया 100 रुपया। अब देखो ऐसा एक सवाल बनाओ, ऐसा एक और सवाल बनाओ, दीजिए ना दीजिए, ऐसा एक और सवाल बनाओ। देखो बताए ना, सबसे पहले बोले थे ना तुम्हें कि तुम भावना को समझने लगोगे तो सवाल बनाने लगोगे, समझ रहे हैं? अब देखो तो समझ गए हो तो देखो क्वेश्चन करो, समझ गए हो तो क्वेश्चन करो, कलम मत चलाओ, कलम चला कलम नहीं चलाएंगे तो कैसे बनाएगा? किसी भी विद्यालय में 2 घंटा में तुम्हें बनाना है सब कुछ, क्वेश्चन मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है। यदि एक्स मानकर बनाओगे तो पीछे हो जाओगे। किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये है, 350 रुपया में इतना कौन कुत्ता की तरह भूखेगा सुबह शाम, बताओ? कोई नहीं। अरे इसलिए 350 लेते हैं ना कि लड़का पढ़े, फिर भी देखो कितना लड़का भी पढ़ रहा है जानते हो, 49 लड़का, देखो मात्र 49, 170 लड़का में 49। अरे उसमें सर आप भी हैं और उसमें 2 हम भी हैं, बताओ यार क्या लड़का का सोच हो गया है? 47 सोचा है सर, बताओ 47 लड़का पढ़ता है 170 में, जब फ्री पढ़ाते ना तो 27 लड़का पढ़ता। यस सर, एक ग्रुप में 150 लड़का है, 170 लड़का पढ़ते है, बताओ यार कैसे? ऐसा नहीं है कि बाद में देख ले, रिकॉर्डिंग भी देख ले, रिकॉर्डिंग वो नहीं देखता है ये सब वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहा है, मेरे को तो पता चल ही रहा है कि ये सर वहाँ पे यूट्यूब पे देख लेते होंगे कि कितना लड़का रिकॉर्डिंग देख रहा है, बताओ। यस सर, कंडेंसर चेंज कर लो, किसी का पंखा किसका है? बहुत सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, धीरे किए हुए है रिकॉर्डिंग देते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं आप पूरा सर? जो नहीं करते हैं वो देखते हैं। यस सर देखते हैं।
₹50 घट गया। अब देखो भावना समझो, शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताएं। ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ना बोलिएगा, बोले नहीं है तो कुछ सुन। हाँ बताते हैं। किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन क्या है? ₹1500 है, ठीक है, ₹1500 है। दो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन ₹2000 बढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया, गलत लिख दिया, ठीक है, कुल वेतन ₹2000 बढ़ गया। दो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन ₹2000 बढ़ गया, कुल जो वेतन था ना ₹1500 बढ़ गया, औसत वेतन जो वेतन था वो ₹50 घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताओ। अब ये क्वेश्चन को तुम लोग करो, कितना टाइम हो गया है? पांच बज गया, तो इसका दो हजार बढ़ गया, ये बचने वाला है, मिनट बाकी है। वर्तमान संख्या, दो शिक्षक आने के बाद, इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लो और इसको बनाना तुम। सर इसका आंसर 8 होगा क्या? नहीं सर, 20 होगा, आंसर बता दें इसका 20 होगा। अब तुम लोग बनाना इसको, वही चीज है सर, बैग नहीं बनेगा तो कल बता दीजिएगा। हाँ तो सर, साइंस वाले को क्लास ले सर। सर अगर हम पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई 15 तारीख के बाद करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सीट फुल हो जाएगा? नहीं, अप्लाई करने में कोई सीट फुल होता है। आज कितना डेट है? सर 4 तारीख है। 4 है सर। 4 मई मैथ। ओ पीडीएफ चला जाए। अच्छा वो वाले तो व्हाट्सएप अभी चल रहा है, लॉग आउट नहीं हुआ है उससे, ठीक है। सर सुबह वाला क्या हो गया था उसमें आज? अरे बहुत फेरा हो गया सर, आपके व्हाट्सएप में क्या हो गया था? वो स्टॉप रिकॉर्डिंग।